सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू पीडी क्लासेस। दोस्तों आज हम आपको सेशन देने जा रहे हैं बेस्ड है पर्सनल बैंकर ऑथराइजर पर। और एचडीएफसी बैंक में यदि आप पर्सनल बैंकर ऑथराइजर के लिए जा रहे हैं तो आज के इंटरव्यू के टेक्निकल राउंड के क्वेश्चंस आपके बहुत काम आने वाले हैं। और बताना चाहूंगा कि हमारे दोनों चैनल पीडी क्लास और इंटरव्यू गाइड पर आप अबंडेड ऑफ वीडियोस रिगार्डिंग बैंकिंग सेक्टर, स्पोकन इंग्लिश, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, बॉडी लैंग्वेज की देख सकते हो, बहुत कुछ वहां से सीख भी सकते हैं। चलिए मोनिका, सबसे पहले मैं आपको वेलकम करता हूँ। थैंक यू सर। मोनिका, आज जो हमारा सेशन है ये एक मॉक सेशन बेस्ड है, तो सबसे पहले तो मैं जानना चाहूंगा आपसे कि पर्सनल बैंकर ऑथराइजर के बारे में आप क्या बता सकते हैं। सर, इन्हें टेलर ऑथराइजर भी कहा जाता है। ये प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और जो सर जो बैंक कस्टमर्स होते हैं उनकी प्रॉब्लम्स, उनकी कंप्लेंट्स को सुने और उनको सॉल्व करने की ड्यूटी इनकी होती है। ब्रांच सेल्स और ब्रांच ट्रांजैक्शन को सुपरवाइज करते हैं। जो बैंक कस्टमर्स होते हैं उनको बैंक सर्विसेज जैसे लाइक लोन्स, क्रेडिट कार्ड के बारे में बताते हैं, अकाउंट ओपनिंग में हेल्प करते हैं, डिफरेंट टाइप के कस्टमर्स तक रीच करते हैं, और जो ओवरसीज ट्रांजैक्शन होते हैं उनमें हेल्प करते हैं। ओके, यानी कि अकाउंट्स ओपनिंग से अलग अलग तरीके के जितने भी कस्टमर्स नए बनते रहते हैं उनसे भी इंटरेक्ट करते हैं। तो क्या ये एक सेल्स जॉब है मोनिका? नो सर, ये टोटली सेल्स जॉब नहीं है, ये एक एडवाइजरी जॉब है। okay. और जो पर्सनल बैंकर ऑथराइजर होते हैं वो एक तरह के फाइनेंशियली प्लानर होते हैं। जो बैंक अकाउंट में जो भी कस्टमर्स आते हैं उनको फाइनेंशियली प्लानिंग में हेल्प करते हैं। सर, okay. इसमें हम सेल्स कंपोनेंट्स जरूर होते हैं, कुछ होते हैं, इसीलिए इन्हें सेल्स में जोड़ा गया है। बिल्कुल. और इसमें सर सेल्स और जो भी मार्केटिंग टेक्निक्स हैं हम उनको भी यूज़ करते हैं। okay. तो क्या कुछ फुल फॉर्म्स के बारे में पूछना चाहूंगा बैंकिंग से रिलेटेड। तो बैंकिंग में एक फुल फॉर्म होती है सीबीसी, इसकी फुल फॉर्म बता सकते हैं आप? सर, सीबीसी की फुल फॉर्म होती है कॉल बैक कंफर्मेशन। ओके, और पीएलपी की? सर, पीएलपी की फुल फॉर्म होती है परफॉर्मेंस लिंक पे प्लान। ओके, और देयर इज अ वर्ड सीएएम, इसकी फुल फॉर्म मोनिका? सर, इसकी फुल फॉर्म होती है क्रेडिट एनालिसिस मेमोरेंडम। वेरी गुड। कैशियर और टेलर में डिफरेंस क्या होता है? सर, कैशियर वर्क्स विद ओनली कैश ट्रांजैक्शन। ओके, एंड टेलर वर्क्स इन ऑल टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शन। ओके, कैन यू टेल मी द टाइप्स ऑफ कैशबुक, कितने तरीके की होती है? सर, इसमें थ्री कॉलम्स होते हैं, जैसे सिंगल कॉलम, डबल कॉलम और ट्रिपल कॉलम। ओके, व्हाट आर सोर्स डॉक्यूमेंट्स मोनिका? सर, जो सोर्स डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो अकाउंटिंग और बुक कीपिंग प्रोसेस का इंटरगल पार्ट है। okay. और इसमें रिसिप्ट, बिल्स, इनवॉइस, कॉन्ट्रैक्ट्स, लीज और जो सर बैंक स्टेटमेंट्स, यस सर, वगैरह होते हैं। बिल्कुल सही कहा। ओके मोनिका, व्हाट कम्स आफ्टर पर्सनल बैंकर, इसका जो प्रमोशन है वो क्या है? सर, ब्रांच मैनेजर और सेल्स मैनेजर। ओके, क्या क्या स्किल्स चाहिए होती है? मान लीजिए अगर हम पर्सनल बैंकर ऑथराइजर बनना चाहते हैं तो क्या क्या स्किल्स जरूरी है, क्या क्या चीजें, एजुकेशन वगैरह क्या चाहिए? सर, बहुत सी कॉमन स्किल्स की जरूरत होती है, ग्रेजुएशन इन मैनेजमेंट, इकोनॉमिक, अकाउंटिंग और फाइनेंस। ओके, और सर कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, लाइक वर्बल, रिटर्न एंड टेलीफोनिक। ओके, और कंप्यूटर की नॉलेज अच्छी होनी चाहिए, टाइपिंग स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, और जो कॉम्पिटिटर बैंक्स होते हैं उनकी नॉलेज अपडेट रहनी चाहिए। ओके, देयर इज अ वर्ड इन डीएपी इन एचडीएफसी बैंक, तो डीएपी की फुल फॉर्म क्या है? सर, इसकी फुल फॉर्म होती है डिजिटल एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म। ओके, देयर इज अ कॉम्पिटिटर ऑफ एचडीएफसी बैंक, एक सेकंड लार्जेस्ट बैंक जिसे हम कह सकते हैं आईसीएससी, तो इसकी फुल फॉर्म बता सकते हैं आप, आईसीएससी बैंक की? यस सर। सर, इसकी फुल फॉर्म होती है इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टिंग कॉर्पोरेटर ऑफ इंडिया लिमिटेड, इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। यस सर। ओके, चलिए ये बताइए मुझे मोनिका कि सेविंग अकाउंट्स एचडीएफसी में कितने टाइप्स के? सर, ये फाइव टाइप्स के होते हैं, रेगुलर सेविंग अकाउंट्स और सेविंग मैक्स अकाउंट, वीमेन सेविंग अकाउंट्स, सीनियर सिटीजन सेविंग अकाउंट्स और सर डिजी सेव यूथ अकाउंट। वेरी गुड। मोनिका, आपको जॉब एक्सपीरियंस है क्या? यस सर। सर, मैंने श्रीराम फाइनेंस कंपनी के साथ 1 ईयर वर्क किया, मुझे उसका एक्सपीरियंस है। ओके, फिर आप चेंज क्यों कर रहे हैं? सर, फॉर माय बेटरमेंट, और बिग बैनर के साथ जुड़ना मेरे लिए बड़ी सौभाग्य की बात होगी। ओके, तो आप हमें बता सकते हैं कि आप पर्सनल बैंकर ऑथराइजर ही क्यों बनना चाहते हैं? सर, जैसे कि इसमें गुड एडवाइजर होना बहुत अच्छा बड़ी बात है। बिल्कुल, कस्टमर्स को एडवाइज करना पड़ता है, इसलिए मैं बताना चाहूंगी मेरा नाम मोनिका है और मेरे नाम का मतलब होता है गुड एडवाइजर, एंड आई एम वेरी मच सिमिलर टू माय नेम इज गुड एडवाइजर। तो मुझे लोगों को एडवाइज करना और मोटिवेट करना बहुत पसंद है, तो इस जॉब के लिए मैं काफ़ी बेस्ट रहेगा इसलिए। और मेरी हॉबीज है मेकिंग न्यू फ्रेंड, एक्सप्लोरिंग न्यू कल्चर, और इस फील्ड में मैं लोगों के साथ मिलूंगी, इंटरप्ट करूंगी, तो ये मेरी हॉबीज के लिए भी बेस्ट रहेगा। और सर, ये जो बैंक जॉब है एक सोशल रिस्पेक्ट पाती है इसीलिए। तो ये आपने रीजन दिया हमें कि आप बैंकिंग जॉब और बीबी ऑथराइजर में क्यों आना चाहते हैं। यस सर, दैट्स ग्रेट।
ओके मोनिका, आपके पास जो मोबाइल है ये एप्पल का है? यस सर। तो क्या आप इस मोबाइल को सेल कर सकते हैं मुझे? सर आई कैन। प्लीज ट्राई, मैं देखना चाहता हूँ आपकी सेलिंग स्किल्स कैसे हैं। यस सर। गुड मॉर्निंग सर, आई एम मोनिका फ्रॉम एप्पल कंपनी। दिस इज एप्पल आईफोन एंड इस मॉडल इज 6S, इट्स कलर इज रोज गोल्ड और इस पिक्चर क्वालिटी इज वेरी वेल एंड इज डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉडी स्ट्रक्चर एंड वेरी। यू आर टेलिंग वेरी वेल, फिर आप इसको बेच क्यों रहे हैं? सर बिकॉज आई वॉन्ट टू परचेज आईफोन 13 प्रो मैक्स एंड अदरवाइज देर इज नो फॉल्ट इन दिस फोन। ओके दैट्स गुड, यू आर वेरी ऑप्टिमिस्टिक गर्ल। यस सर। ओके मोनिका, आप हमें ये बताइए कि HDFC बैंक के बारे में आप क्या जानते हैं? सर HDFC की फुल फॉर्म होती है हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेट और सर इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है और ये नंबर 1 प्राइवेट बैंक है इन इंडिया। और सर एस्टेब्लिश कब हुआ था? सर ये अगस्त 1994 में हुआ। यस। ओके, और आपने जो हेडक्वार्टर बताया इसका मुंबई? यस सर। ओके चलिए मोनिका, अब आप अपनी स्ट्रेंथ हमें बताइए और वीकनेस बताइए। सर माय स्ट्रेंथ, आई एम जोवियल वर्सेटाइल एंड फिलैंथ्रोपिस्ट पर्सनालिटी। फिलैंथ्रोपिस्ट का मीनिंग क्या होता है मोनिका? सर लवर ऑफ मैनकाइंड। और जोवियल का? सर जोवियल अपनी मतलब अपनी कंपनी में किसी को सैड ना देखे। ओके, और आपकी वीकनेस मोनिका? सर माय वीकनेस इज माय लिटिल टॉकेटिव, बट मुझे लगता है इस फील्ड में मुझे लोगों के साथ ज्यादा बात करनी होगी तो मुझे लगता है ये मेरे लिए एक स्ट्रेंथ साबित होगी। दैट्स गुड। हम आपको इस इंटरव्यू के लिए क्यों सिलेक्ट करें? हमारे पास और भी लोग हैं जो एक्सपीरियंस है और आपको तो 1 साल का एक्सपीरियंस है, हमारे पास ऐसे ऐसे लोग हैं जो 5-5 साल के एक्सपीरियंस है, फिर हम आपको क्यों सिलेक्ट करें? सर फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक यू फॉर गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी। मैं अपने आप को उन लोगों के साथ तो कंपेयर नहीं करूंगी जो मेरे तरह क्रू में खड़े हैं। कुछ मुझसे ज़्यादा भी डिजर्व करते हैं, कुछ मुझसे कम भी करते हैं, बट मैं अपने बारे में बताना चाहूंगी। आई एम वेरी डिटरमिंड एंड डेडिकेटेड पर्सन, मैं ऑनेस्टली हर वर्क को करती हूँ और मैं अपने टाइम की बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, आई एम पंचुअल। ओके तो मोनिका, जो भी आपने अपनी स्ट्रेंथ्स बताई तो डेफिनेटली हम रियल में इम्प्रेस हुए आपसे, पर मान लीजिए इस इंटरव्यू में आपका सिलेक्शन नहीं होता तो आप क्या करेंगे? सर फर्स्ट ऑफ ऑल मैं काफ़ी कॉन्फिडेंट हूँ कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। अनफॉर्चुनेटली मेरा सिलेक्शन नहीं होता तो हो सकता है आपने मुझ में कुछ वीकनेस देखी होगी या मुझ में कुछ कमी होगी, इसीलिए आपने मुझे सिलेक्ट नहीं किया, तो मैं अपनी वीकनेस को इम्प्रूव करूँगी, नेक्स्ट टाइम फिर से इस इंटरव्यू में आके सक्सेस होंगे। ओके, आप जानते हैं कि PB जो ऑथराइजर है इसका जो वर्क बहुत प्रेशराइज्ड वर्क होता है, तो आप प्रेशर को कैसे हैंडल करेंगे? सर ये हमारी लर्निंग स्टेज है, पॉजिटिव प्रेशर आर नेसेसरी और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है सर प्रेशर में वर्क करने की। हम प्रेशर तभी आता है जब हम किसी काम को डिले करते हैं, लोड आता है वर्क और मैं काम को डिले नहीं करती सर। किस तरीके के लोगों के साथ आप काम करना पसंद करते हो मोनिका? सर आई एम वर्सेटाइल पर्सनैलिटी, ये मेरी स्ट्रेंथ है, मैं हर तरह के लोगों के साथ वर्क करने में एडजस्ट हो जाती हूँ, बट आप पूछ रहे हैं तो मैं उन लोगों के साथ वर्क करना पसंद करूँगी जो अपने वर्क की रिस्पेक्ट करते हैं, प्रायोरिटी देते हैं अपने वर्क को। ओके, आप टीम में वर्क करना पसंद करते हैं या अलोन? सर इफ नेसेसरी आई कैन वर्क अलोन बट माई प्रेफरेंस इज टीम बिकॉज आई एम टीम स्प्रिट। गुड, वेरी गुड, आपने बहुत अच्छा इंटरव्यू दिया है, समय आ गया अपने उन व्यूवर्स को बेनिफिट देने का जो लास्ट तक हमारे वीडियो को देखते हैं। दोस्तों यदि आप लास्ट तक हमारे वीडियो के साथ रहते हैं तो लास्ट में मैं आपको एक टिप जरूर देते हैं और आज का टिप तो बहुत इंटरेस्टिंग है दोस्तों। देखिए मैंने मोनिका से एक क्वेश्चन पुट अप किया था कि आप ऑथोराइजर स्पेशली इस जॉब के लिए क्यों आ रहे हैं, पर्सनल बैंकर ऑथोराइजर आप क्यों बन रहे हैं, टैलेंट जॉब क्यों आ रहे हैं? तो देखिए दोस्तों कल यदि आपसे ये क्वेश्चन पुट अप हो और दूसरे रूप में हो वो आपको बोलते हैं कि आप बैंक में क्यों आना चाहते हैं, तो आप कह सकते हैं सर आई बिलीव बैंकिंग इज अ पोटेंशियल सेक्टर विच इज ग्रोइंग रैपिडली, यानी कि ये तेजी से ग्रो कर रहा है। इसके अलावा आप ये कह सकते हैं सर द रेगुलरिटी इन वर्किंग एनवायरमेंट मेक्स अस टू रिमेन फ्री फ्रॉम रस्टिंग, सर कार्य में निरंतरता हमें जंग लगने से बचाती है। और आप कह सकते हैं सर जो मेरी हॉबीज है वो कोरिलेट करती है, मैच करती है इस पर्टिकुलर वर्क से, आई माई सेल्फ लाइक इंटरेक्टिंग न्यू पर्सनैलिटीज और जॉब मुझे इस बैंक के अंदर वर्क मिलेगा। इसके साथ साथ सर देर इज अ सोशल रेपुटेशन, दैट्स अ ग्रेट वर्ड यू कैन यूज, तो यू कैन इंप्रेस द इंटरव्यूअर बाय सेइंग दैट बैंकिंग ऑल्सो प्रोवाइड्स वेरियस फैसिलिटीज दैट ऑल्सो कवर्स अवर मॉनिटरी एस्पेक्ट्स विच आई बिलीव इज क्वाइट नेसेसरी फॉर अ मिडिल क्लास पर्सन लाइक मी। तो डेफिनेटली इंटरव्यूअर आपसे इंप्रेस होंगे फ्रेंड्स। और प्लीज आप ध्यान रखिए कि इंटरव्यू के दौरान ऑब्वियस है वो आपसे कंप्लीट आपका इंट्रोडक्शन जरूर सुनेंगे, उस समय आप कोशिश कीजिए कि इंट्रोडक्शन में अपनी फैमिली के बारे में आप बिल्कुल नहीं बताएंगे, अपनी वीकनेस बिल्कुल नहीं बताएंगे। आप बता सकते हैं अपना नेम, आप कोरिलेट कर सकते हैं अपने नेम को अपनी पर्सनैलिटी के साथ, आप शहर का नाम बताइए जहां से आप बिलोंग करते हैं, आप उसके बारे में एक लाइन कह सकते हैं, अपनी हॉबीज बताइए, एजुकेशन बताइए, एक्सपीरियंस बताइए, एम बताइए, स्ट्रेंथ बताइए। ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो आप हाईलाइट यदि करते हैं इंटरव्यू में यू कैन पुट एन इंप्रेशन। इन इंट्रोडक्शन के अंदर
यदि आप ये कहते हैं सर आई एम अ टीम स्पिरिट पर्सन, आई डोंट ट्राई टू हॉग ऑल द क्रेडिट, सर आई एम अ जॉवियल पर्सन एंड आई डोंट लाइक एनीबॉडी टू रिमेन सैड इन माय कंपनी, सर माय फ्रेंड्स कॉल मी वर्सेटाइल बिकॉज ऑफ माय एडजस्टेबल नेचर, सर आई एम अ कॉम्पिटेटिव पर्सन, आई लव चैलेंजेस, तो आप अपने इंट्रोडक्शन पर और इम्प्रेशन डाल सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है इन पॉइंट्स को आप एड ऑन करेंगे और अपनी पर्सनलिटी को रेस करेंगे और अपना सिलेक्शन जरूर करवाएंगे। मुझे उम्मीद है मोनिका आज का इंट्रो सेशन हमारे स्टूडेंट्स के लिए बेनिफिट रहेगा। कीप इट अप, ब्लेसिंग्स टू यू, बहुत अच्छा इंट्रो दिया। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू।